साथ आए थे, योगी आदित्यनाथ आए थे, भाषण देकर गए, जहन्नम चले गए। देखिए योगी जी तो सिर्फ भड़काव भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान के। आपका नाम क्या है पहले बताइए? मैं आनंद कुमार मेहता हूँ। आनंद कुमार मेहता है, हिंदू हैं और योगी जी का विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उनका कहना हुआ कि दंगा करो, फसाद करो, यहाँ योगी आदित्यनाथ दंगा करो। अरे भाई संत है, वो कहे दंगा कराएंगे। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र भाई। आपका नाम क्या है? प्रभु राम। आपका नाम? मेरा ननकू रविदास नाम। आपका नाम? फागुन गोप। भाई साहब आपका नाम? आनंद कुमार। मैं। आपका नाम? मेरा नाम बिक्की हुआ। बस यही बात तो हम कहना चाह रहे, बटोगे तो कटोगे भाई। बटोगे तो कटोगे क्या है? अरे भैया ये भारत देश में ये हमारे गांधी जी ने कहा है, हिंदू है। जी जी मैं पक्का हिंदू हूँ। आपको तो मैं जितना पूजा करता था योगी जी पूजा नहीं करते हैं। आप योगी जी या मोदी जी को बड़का का विधानसभा से लड़ा दीजिए अम्बा प्रसाद के विरुद्ध में, फिर भी अम्बा प्रसाद प्रचंड वोट से जीतेगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं झारखंड में हूँ और झारखंड का चुनावी दंगल दिखा रहा हूँ। इस बार क्या लग रहा है झारखंड में क्या होगा? हरियाणा जब से भारतीय जनता पार्टी जीती है तब से उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है। 2024 लोकसभा में मटन मुर्गा मछली पता नहीं क्या क्या नाम लिया गया था, पूरा चुनाव के सत्यान्यास कर दिया गया था। अब इस बार का जो 2024 विधानसभा चुनाव है इसमें भी आप सुन रहे होंगे घुसपैठिया, बटोगे तो कटोगे, पता नहीं तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, बता रहे थे हरियाणा में, योगी आदित्यनाथ झारखंड आए थे, झारखंड का बड़का गांव विधानसभा में आए थे और यहाँ पर कह रहे थे जहन्नम चले गए और थोड़ा दबा के एक साथ जुटता के साथ में वोट डालिएगा वो लोग यानी मुसलमान जो है वो झाड़ू लगाते हुए नज़र आएंगे, ऐसा बयान देकर गए। तो हम बड़का गांव में ही हैं और आम जनता के बीच में जाकर बात करेंगे। दोस्तों ये बड़का गांव विधानसभा है और यहाँ चाय की दुकान पर हम देखा कि सुबह सुबह लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो हमने अपना गाड़ी रुकवा दिया। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है एकदम। इस बात का चर्चा चल रहा था भाई नेताजी यहाँ पर। जी जी, इस बात का चर्चा हो रहा था यहाँ पे। अभी तो चुनाव का माहौल है, चुनाव का ही बात चर्चा होगी। माहौल गर्म हो गया है हरियाणा, झारखंड में सैलाब है। अम्बा प्रसाद इधर भी देखिए उधर अम्बा प्रसाद। झारखंड में माहौल बन गया क्या? जी, जी बिल्कुल माहौल बन गया, बिल्कुल बाजार गर्म है। अम्बा बेटी जीत रही है इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ आए थे भाषण देकर गए, जहन्नम चले गए, थोड़ा जोर से बटन दबाना एकजुट के साथ तो झाड़ू लगाते नजर आएंगे, ऐसा बयान दिए थे भैया। ऐसा है योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ आए थे ना, बुलडोजर वाले बाबा। जी बुलडोजर वाले बाबा, उस बुलडोजर वाला यहाँ नहीं चलेगा, ये यूपी में ही चलेगा और वो भी यूपी उनका अब यूपी खत्म होने वाला है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो जो है ना योगी आदित्यनाथ, वो खाली हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अच्छा जी, बड़का गांव के बारे में कुछ बात करके गए कि नहीं? हजारीबाग के बारे में कोई बात नहीं किए, सिर्फ बुलडोजर का बात करते हैं। हाँ सिर्फ बुलडोजर की बात करते हैं भाई साहब। आपका चैनल का इस बड़का गांव के पावन धरती में और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंडी जोहार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम लोगों को बड़का गांव की जनता का बहुत बड़ा उम्मीद था कि देश के बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कुछ अच्छा बोले। और हम सबों को दिल में ये लालसा था, जिज्ञासा था कि कुछ बड़का गांव के लिए अच्छा मैसेज दे करके जाएंगे, क्योंकि वह मुख्यमंत्री रह रहे हैं, हम सबों को कुछ उनसे लालसा था सीखने का, यहाँ मांगने का, कुछ उनका देने का समय था। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये रामनवमी जुलूस और सरस्वती जुलूस और विश्वकर्मा जुलूस का बात किए, यहाँ का ना शिक्षा के प्रति उन्होंने बात किए ना। शिक्षा जरूरी है, रामनवमी जरूरी है कि शिक्षा जरूरी है? आप कैसी बात कर रहे हैं भैया जी? देखिए शिक्षा का लख यदि जिन घर परिवार में जग गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ या योगी जी भी हैं अगर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, तो उनके अंदर में शिक्षा का जागृति है, शिक्षा प्राप्त उन्होंने किया तब आज उन्होंने मुख्यमंत्री है, तब उनको देवता देवी माता पिता। अरे मठाधीश थे इसलिए उनको मौका मिला है, मंदिर में थे इसलिए उनको मौका मिला, आप बता रहे हैं शिक्षा हासिल कर लिए तब मिला मौका। वैसा कोई बात नहीं, वैसा आप बताइए शिक्षा जरूरी है कि मतलब क्या, मतलब ये रामनवमी जरूरी है और सरस्वती रैली जरूरी है, ये जरूरी है ना?
देखिए योगी जी तो सिर्फ भड़काव भाषण देते हैं हिंदू मुसलमान के। आपका नाम क्या है पहले बताइए। मैं आनंद कुमार मेहता हूँ। आनंद कुमार मेहता है, हिंदू है और योगी जी का विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। देखिए यहाँ वो आए हैं, एक जरा सा रोजगार के विषय में नहीं बोले, विस्थापित के विषय में नहीं बोले हैं, और अपना बुलडोजर क्या है योगी जी बड़का गांव के अपना विधानसभा चलाएंगे कि यहाँ स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद चलाएगी। हम लोग बहरिया देखना नहीं चाहते हैं, लोकल अंबा प्रसाद है। अंबा प्रसाद वाले हो तभी तो आप विरोध कर रहे हैं। देखिए विरोध की बात नहीं है, अंबा प्रसाद विकास की गंगा बहाई है, रोजगार से जोड़ी है, जितना भी क्षेत्र में युवा लोग हैं उम्मीद रखते हैं कि आने वाला दिन में अंबा प्रसाद मंत्री बनेगी और बड़का गाँव का विकास होगा। कांग्रेस जीत गई यहाँ पर, JMM जीत जाएगी तो फिर घुसपैठिया नहीं आ जाएंगे? घुसपैठियों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, ये कौन रोकेगा? BJP तो रोकेगी। एक मिनट सर, हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आ करके यहाँ बोले कि आप लोग शक्तिशाली बन जाइए। तो यदि अगर यहाँ के जनता शक्तिशाली नहीं है तो सांसद कैसे चयन कर रहे हैं, विधायक कैसे चयन कर रहे हैं, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, या फिर यहाँ पर अपना जो कारवां है वो कैसे लेकर के चल रहे हैं। उनका कहना हुआ कि दंगा करो, फसाद करो, यहाँ योगी आदित्यनाथ दंगा करो। अरे भाई संत है वो काहे दंगा कराएंगे, संत है काहे कराएंगे। कराने के मकसद से जो है ना बोलते हैं कटो बटोगे तो कटोगे, ये क्या है बटोगे तो कटोगे क्या है? अरे भैया ये भारत देश में ये हमारे गांधी जी ने कहा हिंदू है। जी जी मैं पक्का हिंदू हूँ। आपको तो मैं जितना पूजा करता हूँ योगी जी पूजा नहीं करते हैं, पूजा पाठ में जितना मैं ये करता हूँ दिन रात लगे रहता हूँ शायद योगी जी नहीं करते हैं। लेकिन हमारा बड़का का विधानसभा क्षेत्र न मोगदी न योगी न राहुल जो विकास करे, और ये जो विकास आज तक जो अंबा बेटी ने की है शायद किसी ने किया नहीं न करेगा, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, नहीं रुको पहले मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गरमाए जा रहे हैं, दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आप योगी जी या मोदी जी को बड़का का विधानसभा से लड़ा दीजिए अंबा प्रसाद के विरुद्ध में, फिर भी अंबा प्रसाद प्रचंड वोट से जीतेगी, ये मेरा वादा है। अरे लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर चाचा आप ही बताइए, अगर घुसपैठिया आ जाएंगे तो बेटियां असुरक्षित नहीं हो जाएंगी? ये मोदी जी बोले थे कि नहीं बोले थे असुरक्षित हो जाएंगी, इसलिए घुसपैठियों को आने से रोको। मोदी जी हैं उत्तर प्रदेश अति अरे दिल्ली, और हम लोग हैं झारखंड, झारखंड झारखंडी हैं हम लोग, झारखंडी हैं। झारखंड के कैसे बचाना कैसे क्या करना हम लोग के ने जिम्मा है जी, कि योगी का जिम्मा है? जिम्मा तो मेरा है, जो झारखंडिया उसका है, मेरा माता बहनें बेटियां सबका जिम्मेवारी है। हम लोग कैसे चलेंगे और कैसे चलाएंगे वो मेरा जिम्मा है, उत्तर प्रदेश वाले को नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का किया, बड़का गाँव उजड़ गया, क्या 400 रुपये कट्ठा जमीन, 24 लाख रुपये एकड़ जमीन मिलता है कहीं? बताइए आप ही लोग, अब बताइए, अब बताइए, अब 24 लाख रुपये में एक एकड़ जमीन मिलता है कहीं? नहीं। तो खरीद दीजिएगा आपका, हम आपको 30,000 रुपये दें, 30 लाख रुपये देंगे, खरीद दीजिएगा 10-1-200 एकड़। ये हमारे योगी जी और मोदी जी के काम है कि बड़का गाँव को बुलडोजर भी दिखा दिए योगी बाबा कि देखो बालू माफिया कोयला माफिया को कदापि नहीं बख्शेंगे, बुलडोजर दिखा दिया कि ताकि बड़का गांव को हमारा पार्टी आवेगा, BJP आवेगा, बड़का गांव के बुलडोजर से प्लेन कर देंगे, कोयला निकाल करके बेच डालेंगे पूंजीपति घाट, अडानी अंबानी बात कर रहे हैं, सुनिए, बुलडोजर लगा के कोयला और मौरंग जो है बेच डालेंगे अडानी अंबानी को। अरे सुनिए ना मेरा बात सुनिए, हमरा कहना ये बात तो योगी जी को तो बोलना चाहिए। जैसे फसल हम लोग देखिए, हम लोग की बड़का गांव कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान है, जैसे कोबी उबी हम लोग लगाते हैं ना तो उसमें कीड़ा होता है ना, तो हम लोग उसको दवा लेके छिड़ते ना, जैसे मोदी और योगी जी बड़का गांव हम लोग को दवा छिट के मारेंगे और कोयला खनन करेंगे और अडानी और NTPC और बिजार का और ये बिजार को लगाने का काम करते हैं, तो मोदी जी नहीं नहीं गलत बात चाचा, गलत बात है एकदम नहीं, मतलब अरे आप क्या जानेंगे मेरा बीत रसम नहीं जानते हैं, आप एक मैच लेके आगे कहते हैं गलत बोलते हैं आप क्या जानते हैं आप नहीं जानते हैं
हम नहीं जानते। क्या पता है इनको, कुछ पता है चाचा को? धरती है, आप मतलब जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अरे बचाएगा तो बचाएगा कांग्रेस पार्टी, और बड़का गांव बचाएगा तेंबा। अरे फिर घुसपैठिया अंदर आ जाएंगे। घुसपैठिया, अरे रुको भाई, अरे भाई साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। घुसपैठिया अंदर आ जाएंगे, उनसे कैसे बचेंगे? दुनिया में घुसपैठिया कैसे आवेगा भाई? मतलब कल घर क्या कह रहे थे, घुसपैठिया आ गए? सुनिए नहीं, घुसपैठिया आता है, कैसे आएगा, कैसे आएगा? आज हम इसको कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल करेंगे, तो घुसपैठिया कैसे आएगा? घुसपैठी कहीं नहीं है, बोल दीजिए। नहीं, घुसपैठिया कैसे आएगा? आप देखिए, ये बहाना बना करके लूटने के काम मत कीजिए जी, बस ये बहाना बना के लूटने के काम मत कीजिए। अब हर सुनिए ना, घुसपैठिया आ गए हैं भाई आपके झारखंड में। आपने घुसपैठिया पहले नहीं था, इससे पहले बीजेपी की सरकार था, तो कहाँ था? ये 5 साल में घुसपैठिया लोग बढ़ गया, उससे पहले तो बीजेपी की सरकार पूरा घुसपैठिया लोग। पहले बहन बेटिया आपके यहाँ सुरक्षित सुरक्षित थी, आज असुरक्षित है कि नहीं भाई साहब, आप बता दें। हम लोग सुरक्षित नहीं, सुनिए ना, हम बार बार कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो योगी जी बोल करके गए, भड़काऊ बात करके गए हैं, शांति और माननीय रोशन लाल चौधरी का जीतने का बात करके नहीं गए हैं, आपको साथ धोखा कर गए, धोखा करके गए हैं। क्या बात कर रहे हैं, रोशन लाल चौधरी के साथ धोखा योगी जी करके गए हैं, करके गए हैं क्योंकि आप सुनिए ना भैया, क्योंकि उनका कहना हुआ धोखा, सुनिए तो, रोशन लाल चौधरी 5 साल से कहाँ थे विस्थापन का मुद्दा में? एक दिन बता रहे हैं कि योगी जी धोखा कर दिए विस्थापन के आगे, विस्थापन का मुद्दा जो है वो एक दिन भी नहीं हमारे रोशन लाल जी आए हुए हैं, और वो बाहरी है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या दर्द होगा जी, क्या कह रहे हैं, बाहरी को क्या दर्द होगा? जगन विस्थापन विस्थापन होता था तगन योगी जी जो आया है वो कहे नहीं, तखन आ करके रोके कहाँ थे? बात है, इनको करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था, जेल में चढ़ रहा है अम्मा का पूरा परिवार, जो के मंत्री जो उनके पूर्व कृषि मंत्री जो पापा थे वो भी गए, उनके भाई गए, उनकी मम्मी गई, ठीक है। आज वो रोशन लाल चौधरी को आज बड़का हुआ नजर आ रहा है, अगर उनको ताकत है हिम्मत है चुनाव लड़ने का तो रामगढ़ में क्यों नहीं लड़ते हैं? हम तो यही लोगों से मैसेज देते हैं, जनता लोगों को कहते हैं, अगर अम्बा प्रसाद आपको पसंद नहीं है तो कहीं लोकल को आप वोट दें, लेकिन भैया लोकल को। आपका नाम क्या है, नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र भाई। आपका नाम क्या है? प्रभु राम। आपका नाम? मेरा ननकू रविदास नाम। आपका नाम? फागुन गोप। भाई साहब आपका नाम? आनंद कुमार। मैं। आपका नाम? मेरा नाम बिक्की हुआ। बस यही बात तो हम कहना चाह रहे, बटोगे तो कटोगे भाई, एक मिनट बटोगे तो पक्का कटोगे, कभी नहीं कटोगे, बटोगे से कटोगे नहीं, सब यहाँ से सुरक्षित है, सब बढ़िया है। आप आके वो अमन कुमार है जानते हैं ना, वो एक जुमा दूर हो जाने हुआ, 2 महीना पहले आया है बीजेपी टिकट मांगने के लिए, अभी क्यों नहीं बीजेपी के साथ दे रहा है? बटोगे कटोगे तो वही लोग कर रहा है, बाट के काटने काम कर रहे हैं, नहीं कटने देंगे, ये बड़का का जनता की आवाज है, यहाँ की विधायक की आवाज है, ठीक है। हम बटेंगे तब तो, अभी बटे नहीं है, बटोगे तो कटोगे, हम तो बटे नहीं है, अभी सब हम लोग सटे हुए हैं ना, सटे हुए हैं। ये चुनाव है, और चुनाव में माननीय योगी जी यहाँ जहन्नुम का रास्ता बता करके जा रहे हैं, आज तक कौन धरती में आया है जो रहा है? सब जाते हैं, सबको जाना है, यहाँ तक कि हमको भी जाना है, योगी जी को भी जाना है, जो अच्छा कर्म करेगा उसको। कल्याण सिंह भी चले गए, चले गए, जो इतना बड़ा गायिका थी, बात पे ही चले गए, इतना बड़ा गायिका थी अम्बा, इनका नाम शारदा सिन्हा जी, चली गई जो छठ का पवित्र गीत गाया करती थी। तो योगी कौन से खेत की मूली है? नहीं, योगी जी को भी जाना, ये प्राकृतिक देन है, और उन्होंने कहा कि आप सख्ती से लड़िए, आपको झाड़ू जैसा उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ साफ कर देंगे। तो यहाँ सभी जाति धर्म के लोग वोट करते हैं कि सिर्फ एक जाति के लोग करते हैं? जो चाचा बोले हैं हमें, इनसे हम असंतुष्ट हैं, बाकी आप लोग जो कह रहे हो समझ में आ रहा है, ये जो कह रहे हैं जहर देकर मार देंगे यहाँ के लोगों, इसलिए कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ना, नहीं नहीं मोदी जी कहे जहर देंगे, वो तो अपने बच्चों की तरह देश को संभाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आपको इलाज चाहिए 70 साल के, यानी 75 साल के आप हो जाएंगे ना, तो 72 साल का पुत्र जो है 5 लाख 5 साल मिलेगा। पहले सुन तो लीजिए चाचा, 70 साल के जो है बूढ़े को जो है 75 साल का नौजवान यानी बेटा वो इलाज कराएगा, उसका नाम मोदी है, आप सोचिए जरा से। आप सुनिए ना, सुनिए ना, मोदी जी है ना, योगी जी है ना, लेकिन मेरा जो संकट है वही बात हम रखें, कोई अलूल जलूल बात नहीं रखें। इनका मतलब हुआ ना, एक मिनट चाचा, इनका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ
अनेकों प्रकार का बीमारी खाद्य को खाने से जो है से मतलब लोगों के अंदर में फैल रहे हैं। स्वास्थ्य चाहिए, चिकित्सालय चाहिए कि नहीं, यहाँ चाहिए कि नहीं, ये हमारा पहला प्राथमिकता होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा दीक्षा उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। तो अभी अभी ताज़ा में हमारे यहाँ ये जो है क्या कहते हैं इसको, जो रोड दूसरा बनता है बाईपास, बाईपास भी माननीय सुश्री अम्बा प्रसाद जी ने शिलान्यास की है, डिग्री कॉलेज को भी करवाई है। यहाँ जनता का 5 लाख रुपये से लेकर के विस्थापितों को 25 समय ना लेकर, हाँ मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का जन जन जानकारियाँ पब्लिसिटी ले रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज विरोध कर रही है कांग्रेस की, ये बहुत दुर्भाग्य है। उनका भी कार्यकाल था 10 साल, 10 साल के अंदर में क्या किए, 15 साल के क्या किए, बस यहीं पर इस डिबेट को ख़त्म करेंगे। लेकिन रुक जाइए भाई, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सर्वे कर लेते हैं, छोटा सा सर्वे। NDA और इंडिया गठबंधन या NDA? BJP जीत रहा है यहाँ पे। इंडिया या NDA? इंडिया या NDA? इंडिया गठबंधन। कौन? इंडिया गठबंधन। भैया कांग्रेस जीतेगा यहाँ से, BJP नहीं जीतेगा। फालतू के खाली झूठो, आप डूगी ड्रामा कर रहे हैं फालतू, खाली आप अपना पका रहे रोटी। अच्छा हम, हाँ आप लोग का यही धंधा है जो, अच्छा हम लोग का धंधा बन गया, आपका चैनल बनाना है, वो अपना वहाँ करिए ना, जो करना वहाँ करिए फालतू, वहाँ जो करना करिए उत्तर प्रदेश में, हाँ इधर मतभेद मत कीजिए अगला के सीधा बात, सब अपना मिलजुल कर घुसपैठिया घुसे जा रहे हैं, घुसने दीजिए ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, प्याज कबारे, हम लोग तो यहीं रहेंगे ना, तब हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग घुसपैठिया बांग्लादेशी आ रहे हैं, नहीं आएंगे हम लोग, है ना, हम लोग अगर दुनिया से फाना हो जाएंगे तब आएंगे, बंगला से, इराक के, ईरान से आएंगे, फालतू सब फालतू बात मत, चूतिया बना रहे हैं क्या सब, चूतिया बना ये रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं अपना, आते हेलीकॉप्टर ने हम लोग के यहाँ देख रहे हैं, पैदले रेंग रहे हैं। अरे आए तो कह रहे थे कि रामनवमी निकलेगा, जुलूस निकलेगा। अरे यहाँ खाने वाला सुनिए ना, रामनवमी जुलूस तो रोज होगा, पॉकेट में पैसा होगा तो, तब पॉकेट में पैसा रहेगा ना, रोज त्योहार होगा आपको, और पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा। अयोध्या से आया हूँ, राम मंदिर बनवाया है, ऐसा बोल रहे थे ना, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा ना, तो एक दिन भी आपका त्योहार नहीं रहेगा। अच्छा हाँ, अभी देखिए छठ त्योहार है, देखिए ऊपर वाला जो दिया है सूरज जी, सबको कर रहा है अपना, खुशी हंसी खुशी से हो रहा है, मार्केट हो रहा है, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई जा रहा है आ रहा है, यहाँ को है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और देखिए योगी जी क्या करा रहे हैं, किसी को क्या कर दे रहे हैं, किसी को घर धास दे रहे, कोई ऐसे कर रहे हैं वैसे, बुलडोजर चला रहे हैं, तो इधर JCB चलेगा नहीं, इधर कानून से काम होगा, कानून से, हाँ, और जो अगर कानून से घर खिलाफ करेगा वो जेल जाएगा, किसी को धसे पड़ेगा नहीं घर मकान। आए थे भैया कह रहे थे कि अयोध्या से आए हैं, बोले थे अयोध्या से, उनका आना जाना काम है, उनका आना जाना काम है। अच्छा जो आना यहाँ पर मतलब कांग्रेस ले गई, नहीं फुल बहुमत से, यहाँ कांग्रेस जीतेगा, हाँ छाप हार, कोई नहीं हार है, वो हार गए मतलब ऐसा कुछ, हार कैसे जाएंगे, देखिए कितना कितना विकास कर रहे हैं बेचारी अम्बा प्रसाद, हम लोग का कोई गिनती कर सकता है, जो भी उठेगा उसको वोट मिलेगा भाई साहब, सही है अम्बा प्रसाद, BJP। चलिए खैर इस डिबेट को यहीं पर रोक देते हैं, जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।